हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले पार्ट वन में बता चुके हैं कि डेयरी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इसके संबंध में जो सामान्य जानकारी हैं हमने वो आपको दी हैं, और इस पार्ट टू में जो हम आपको डेयरी से संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें पशुओं को कौन सा दाना देना है और किस हिसाब से देना है इसके विषय में जानकारी रहेगी। दूसरा, जो पशुओं की नस्ल है लक्ष्मण जी के पास में, जिसमें भैंस कौन सी नस्ल की है और इनके पास में कुछ गाय भी हैं, गाय कौन सी नस्ल की हैं, ये हमें जानकारी देंगे। अपने नरसिंहपुर ज़िले का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में कौन सी नस्ल की भैंसें या गाय जीवन यापन अच्छे से कर सकती हैं, इस संबंध में आज आपको हम जानकारी लक्ष्मण जी कौरव के माध्यम से देंगे। हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो बोदा है, ये खासकर डेयरी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम जो डेयरी संचालक है वह कहीं ना कहीं बोदा जो होता है उस पे ध्यान जरूर देता है। तो सबसे पहले नस्ल के संबंध में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बोदा संबंधित बात करेंगे कि अगर कोई डेयरी स्टार्ट करता है तो उसे किस किस्म का बोदा, और अभी जो चाचा जी के पास में है लक्ष्मण जी कौरव जी के पास में, तो उनके पास में कौन सी नस्ल का बोदा है वो हमें बताएंगे। चाचा जी, आप थोड़ा हमारे किसान दर्शकों को ये बताएं कि ये कौन सी नस्ल का बोदा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्री रामडी लक्ष्मण कौरव जी। ये बोदा भैया हरियाणी नस्ल का बोदा है, और जो हरियाणी नस्ल होती है वो बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है अपने यहाँ, और इस नस्ल से जो भैंस गाभिन होती है जी, वो उसकी दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी होती है जी। तो आप ये सर्वप्रथम अगर आपने जो डेयरी स्टार्ट की थी तभी से आपके पास में ये बोदा है कि बाद में लेके आया? नहीं, भैंस जब हम हरियाणा से लेके आए थे तो उस टाइम पे अपन हरियाणा से साथ में लाए थे जी। इसको अपन हर 3-4 साल या 5 साल तक रखते हैं, इसके बाद इसको बदल देते हैं। तो आप इस विषय में किसानों को क्या संदेश देना चाहें बोदा संबंधित विषय में? हरियाणी नस्ल का बोदा होना चाहिए, और हर 5 साल तक जी। एक बोदा की कैपेसिटी अच्छी कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल के बीच में इसको कहा कि उसकी उम्र बढ़ जाती है तो उससे भैंस जो गाभिन होती है तो आगे चल के फिर उसके रुकने के चांस घट जाते हैं जी। तो बाबा जैसे थोड़े से बोदाए हर 4-5 साल बाद बदलते हैं। तो इसके बाद हम जो नस्ल संबंधी बात करेंगे, चाचा जी हमें बताएंगे कि अभी उनके पास में जो भैंस की नस्लें हैं कौन कौन सी नस्लें हैं। किसानों को अब मुर्रा नस्ल की भैंस रखनी चाहिए, और अच्छी उनको देख के अनुभव के हिसाब से जो दुधारू भैंस होती है उसको रखना चाहिए। भैंस अपने यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस सक्सेस है जी। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, हम आपके यहाँ पे या अपने नरसिंहपुर एटमॉस्फेयर में मुर्रा भैंस सक्सेस है, तो ये जो आपकी जो भैंसें देख रही हैं इनकी कोई समस्या जिससे कि किसानों को जानकारी आवश्यक है जिसके संबंध में? इनका रख रखाव तो बिल्कुल कोई इंजीनियरिंग कोई टेक्निकली दिमाग नहीं है इनमें, वो तो गोबर खींचो भैंस लगाओ, ये है किसान के लिए काम, मेहनत ही मेहनत है। लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा जितना एक दो साल तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए तो उससे अनुभव हो जाता है, और बाकी बात अनुभव के बाद टाइम पे गाभिन हो और टाइम पे देने, सिर्फ उसका खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम जो खान पीन अभी शुरुआत में इसको मिनरल वाटर वगैरह कैल्शियम है ये दें, और नहीं तो फिर एक घर कैल्शियम है जो हम चला रहे हैं अभी आपको बताएं, जो कंपनियों को न लेंगे क्या है, शुरुआत में अपन इसकी डेयरी की शुरुआत करते हैं अपना सारा पैसा कंपनियों में जाता है, तो जे न करके अपना घर का बना कैल्शियम यदि इसको खिलाएं तो उसको 2 पैसे और बचेंगे जी। तो आप हमें ये बताइए ये भैंस कौन सी नस्ल की है? ये और ये वाली? हाँ, अपने पास सारी मुर्रा, सारी मुर्रा है। तो आपके पास में कुछ गाय भी हैं तो उस संबंध में भी हम जानकारी लेना चाहें। एच एफ गाय है और जो शुद्ध एच एफ भी नहीं है, मतलब क्रॉस में शुद्ध एच एफ हरियाणा में मिलती है जो हाल एक्सचेंज इनको बोलते हैं, पर उनका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उनका रख रखाव भी ज्यादा रहता है। वैसे काफी अच्छी कंडीशन में अपन को वैसे भी जो शुरुआत में डेयरी जो चलाना चाहिए वो 15 से 16 लीटर या 17 लीटर तक को जानवर लेना चाहिए, इसके बाद पूरा अनुभव हो जाए तभी उसको शुद्ध एच एफ, क्योंकि उनका थोड़ा सा रख रखाव टफ रहता है
उसके बाद में फिर बड़ी जानवर। तो इसके जो पलेरू वगैरह रहते हैं तो उनको रखने में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया रहते हैं। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे नस्ल से संबंधित? यदि इनकी साथ में बच्चिया जो होती है तो वो यदि अच्छा मेंटेन किसान करेगा तो लगभग 18 से 20 महीने में वो फर जाएगी, मतलब जी जी, मतलब व्यावन हो जाएगी 18 से 20 महीने के बाद व्यावन उससे पलेरू पैदा हो जाएगा। हाँ, मतलब व्यावन हो जाएगा, फिर अगले 9 महीने बाद तो हो जाएगा। अगला जानवर नहीं लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा आमदनी, एक्स्ट्रा आमदनी 18 महीने में। हाँ, 3 साल में मतलब डबल कर सकता है कृषक अपनी आय को एक पशु से। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये मुर्रा किस्म की भैंसे हैं, और जो चाचा जी ने हमें बताई ये एचएफ नस्ल की गाय हैं, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों आपके किसान को मुर्रा भैंस और एचएफ नस्ल के साथ डेयरी में अपना स्टार्ट करना चाहिए कार्य। और इसके अलावा हम चाचा जी से अब जानेंगे अपने दूसरे पार्ट में कि आप किस प्रकार से और कौन कौन सा दाना पशुओं को उपलब्ध करा सकते हैं। आइए दाने से संबंधित जानकारी जानते हैं हमारे लक्ष्मण जी कौरव जी के माध्यम से। ये बात जो आप देख रहे हैं, हम दाना संबंधित जानकारी आपको देंगे हमारे सम्मानी लक्ष्मण जी कौरव के माध्यम से, जो हमें बताएंगे कि डेयरी स्टार्ट करने के लिए आप किस प्रकार से दाने के रूप में अपने जो घरेलू प्रोडक्ट भी उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पशुओं को दाना देना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी सभी जानकारी हमारे डेयरी संचालक लक्ष्मण जी कौरव हैं, वो आपको बताएंगे। इसमें दाने के लिए अपने लगभग हर किसान के पास रहता है, जैसे इसमें अपना मक्का है जी, अपने गेहूं का दलिया है जी, और अपना राहड़ चुनी है जी, और चोकर बोलते हैं जी, उस वो भी डाला कंपनी से आता है जी, तो चोकर है, और इसमें सरसों खली है, बिनोला खल है जी। तो इन सारा आइटम अपन ने इसको मिला के इस दाने की टंकी में डाल देते हैं जी, और इसको पानी में भंगो देते हैं। मक्का थोड़ा सा वजनदार रहता है, उसको वो पचने में जानवर को टाइम लगता है, इसलिए उसको ज़्यादा जितना ज़्यादा ज़्यादा भंगो सके भींगना चाहिए, और अलग से इसमें कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत नहीं है जी। वो यहाँ किसान जब डेयरी की शुरुआत करता है तो पैसा एक एक पैसा बचाना पड़ता है, जब वो अंगली राउंड फिगर के लिए तैयार होता है, तो उसके लिए अभी हमने हमारे पिताजी वैसे कृषि विस्तार अधिकारी रहे जी, तो उन्होंने बनाया था, तो उसको हम चला रहे हैं। उसको चलाते हुए हमको लगभग दो साल के लगभग 2.5 साल के लगभग हो गया, और जब से हम न कोई कैल्शियम दे रहे न कोई मिनरल मिक्सचर दे रहे, बस उसी को चला रहे, उसी में वो सारा आइटम है जी, उसको हमने घर पे तैयार किया। तो आप हमें ये जो हम वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप हमें ऐसा टेक्निकल तरीका बताएं जिससे कि कम लागत हो और मुनाफा अधिक हो। बिल्कुल देसी तरीका है, आइए ले आओ। ये टंकी है, इसमें अपन ने पानी भरा जी, ये अभी ये जो पानी है इसका कलर देखो, बिल्कुल पूरा पानी जैसा रहेगा। बिल्कुल। और ये टंकी है, इसमें जमीना मिक्सर बन के तैयार हो गया जी जी। अब इसमें क्या काम करना है अपन को, हमने जो बनाया इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, ये पूरा पीला पड़ जाता जी, ये इस तरीके से पीला पड़ जाता जी, और अपन को इसमें विशेष लागत नहीं है, ज्यादा ज्यादा किसान को 1 रुपये पर लीटर का खर्चा जी इसमें। हाँ, इसमें और अन्य कंपनियों का जैसे कैल्शियम वगैरह लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो आप हमें इसकी प्रोसेस बताएं। इसकी प्रोसेस तो जो है कि हमने इसको घर पे ही तैयार किया जी। इसमें अपन ने पीपर के नीचे की मिट्टी, बरिया के नीचे की मिट्टी, इनको इकट्ठा किया और इस पानी में डाल दिया, घोल दिया। फिर इसके बाद अपन ने इसको तैयार करने के लिए जानवर कैल्शियम की जरूरत है जी। तो कैल्शियम अपने चुनककड़ा से हो दी, फॉस्फोरस संगमरमर में हो दी, कैल्शियम फास्फोरस विटामिन और प्रोटीन, ये सारे तत्व अपन ने इकट्ठे करके इसी में डाल देगा, पानी में डाल दिया। फिर इनके बाद अपन ने इसमें एक टंकी में लगभग 3 किलो गुड़ डाल दिया, तो इनमें सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, कैल्शियम का बनाए वो कैल्शियम का हो गया, फास्फोरस का हो गया, विटामिन के भी हो गए, कार्बोहाइड्रेट भी हो गए, सब सारे तत्व हो गए। फिर इसके बाद इसका जो पानी जैसा कलर, बिल्कुल सेम पानी,
जब ये बनकर तैयार होगा इस टाइप का ये पीला कलर बन गया, ये इस कलर पे आ गया तो समझो आपका कैल्शियम फास्फोरस वाला पूरा मटेरियल तैयार हो गया। इस प्रक्रिया को चला ये कम, ये इसका खर्चा कम से कम 1 रुपया लीटर का है और कंपनी का अपन कैल्शियम लेंगे तो वो कम आज की कंडीशन में 120 से लेकर 150 रुपये किलो। तो जैसा कि हमें चाचा जी ने बताया कि इनके द्वारा जो पशुओं को तत्व कैसे दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए एक सुलभ और एक कम लागत का तरीका है। तो आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये लक्ष्मण जी कौरव, जिनकी डेयरी बाईपास रोड गाढ़ावारा के पास स्थित है। तो इनके द्वारा जो हमें तरीका बताया गया है इसमें और आगे हम जानेंगे। तो चाचा जी, जैसे आपने ये घोल बनाया तो आप पशुओं को किस प्रकार से देते हैं? अपन ने इस घोल को बना के इसमें हम रोजी ने 20 लीटर सुबह 20 लीटर शाम के अपन ने दाने की टंकी जो दाना गलाते हैं उसमें डाल दिया। उस दाने में मिलके जो इसमें क्या होता है पूरे जो बैक्टीरिया होते हैं या जिनको जाइम कहना चाहिए वो तैयार होते हैं। वो जाइम इस दाने में गए, इनकी प्रोग्रेस डबल चलती है, दो के चार, चार के आठ आने इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होते हैं तो जब रफ्तार से वो अपन ने 20 लीटर में है जब तक जैसे मान लो 10 लाख है तो अपन ने जैसे ही दाने में डाला सुबह तक वो 10 लाख की संख्या 20 लाख वो करोड़ों में पहुंच जाती है। तो वो दाने के माध्यम से जानवर पे जाएगा, जानवर के जान के अंदर जाते ही पेट में जाएगा, पेट में उसकी पाचन तंत्र को मजबूत करता और उसके अंदर जो शारीरिक लिए जो क्षमता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पैदा करता है और कैल्शियम की मात्रा जो कम पड़ती है उनको ही पूरा करता है, कैल्शियम फास्फोरस है उनको पूरा करता है। और इसको चलाने में लगभग हमको 2-2.5 साल हो गए, अभी तक हमको कोई लॉस नहीं हुआ, वो हमारे जानवर आज भी स्वस्थ है। जी, तो जैसे हमें बताया चाचा जी ने, मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसके संबंध में और इनका अनुभव भी लूँगा इस बात। जैसे कि आपने ये घोल बनाया, इसके जो तत्व हैं मल्टीप्लाई होगा, पशुओं के पेट में चले गए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उनका जो पाचन शक्ति बढ़ा और उसके बाद जो उनके द्वारा जो गोबर निकलता है कहीं ना कहीं उस गोबर में भी तत्व, बिल्कुल गोबर में भी वो तत्व पैदा होंगे। तो जो गोबर की जो पचने की जिसको अपन जो केंचुआ के माध्यम से भी बनाते हैं खाद तैयार कर देते हैं, तो उस खाद से कई खाद अपने खेत में जाएगी तो खेत की मिट्टी में भी उपजाऊ प्रकृति को सुधारने का काम भी कर रहा है। आपने सुना होगा किसान भाइयों की जो बेस्ट डी कंपोजर होता है और जीव अमृत होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी जो तत्व हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर अपन खेतों में पहुंचाते हैं। तो ये स्टार्टिंग पशुओं से चाचा जी दाने के माध्यम से खेत तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा चाचा जी, जो आपके पास में पशु हैं और आपने जो हमें इस पार्ट में जो हम पार्ट बाई पार्ट जानकारी लेके आ रहा है, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। कहीं ना कहीं जो किसान मन बना रहे हैं डेयरी संचालन करने का या डेयरी स्थापित करने का, उन किसानों के लिए ये रामबाण पैदा होगा दाने के रूप में। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में, दाने के संबंध में? दाने के संबंध में अभी हम शुरुआत में जी, जो डेयरी की शुरुआत कर रहा उससे हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप जितना हो सके घर से जो तैयार हो सकता उसको चलाएं। क्या है कि यदि शुरुआत अच्छी यानी नींव मजबूत हुई तो ही घर मजबूत होगा, यदि नींव कमजोर हो गई तो फिर पूरा घर ही कमजोर हो जाएगा। तो नींव की मजबूती के लिए शुरू में 1-2 साल लगते हैं जिसमें बहुत सी अधिकांश हमने देखा डेयरियां चलती हैं फेल हो जाती हैं उनकी नींव कमजोरी की वजह से। तो अपन को शुरू की नींव जो मजबूत करना है तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 1-1 रुपया बचाएंगे तब वहाँ 2-3 साल में अपन को अनुभव होगा, वो अनुभव के बाद फिर अपन आगे चल के डेयरी चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में इनके पास में काफ़ी भैंसे हैं और आपने जो हमें तरीका बताया दाने का, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए लाभदायक है। और मैं अगले पार्ट में जो जानकारी लेकर आऊँगा, लक्ष्मण जी कौरव जी को काफ़ी समय का अनुभव है और इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से डेयरी संचालित की जा रही है। अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम जो पशुओं को होने वाले रोग बीमारियाँ उसके संबंध में बात करेंगे और इनका जो सालाना प्रोडक्शन है उसके संबंध में बात करेंगे। इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो किसान पशुपालन या डेयरी संचालन के बारे में सोच रहा है उसको एक मार्गदर्शन मिल सके। चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान भाई जरूर देखें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।